बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित उन अभिनेत्रियों में से एक रही हैं जिन्होंने न सिर्फ अपनी खूबसूरती से बल्कि अपनी दमदार अदाकारी से भी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। उन पर फिल्माए गए गाने आज भी दर्शकों द्वारा पसंद किए जाते हैं। भला ऐसा हो भी क्यों ना, उन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्में जो दी हैं। शायद यही वजह है कि लोग आज भी उनकी फिल्मों को देखना उतना ही पसंद करते हैं जितना पहले किया करते थे। वेल, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको सुलक्षणा पंडित के आज के हालातों के बारे में बताने वाले हैं, जहां आप जानेंगे कि वे इन दिनों कहां हैं, क्या करती हैं और कैसे दिखती हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन दिलचस्प सवालों के जवाब को, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का जन्म 12 जुलाई साल 1954 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। वह एक म्यूजिक परिवार से आती हैं, इसलिए उन्होंने छोटी सी ही उम्र में गाना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने गायन करियर की शुरुआत साल 1967 की फिल्म तकदीर में लता मंगेशकर के साथ लोकप्रिय गीत सात समुंदर पार से गाकर एक बाल गायिका के रूप में उभरी थी। इसके बाद उन्होंने किशोर कुमार और हेमंत कुमार जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ गाने रिकॉर्ड किए। उन्होंने हिंदी, बंगाली, मराठी, उड़िया और गुजराती में भी गाए हैं। साल 1980 में उन्होंने जज्बात नामक का एक एल्बम जारी किया जिसमें उन्होंने गज़लें प्रस्तुत की। उन्होंने किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी जैसे कुशल गायकों के साथ युगल गीत गाए। कम ही लोग जानते हैं कि वो एक शानदार गायिका भी हैं। 1975 में आई फिल्म संकल्प के गाने तू ही सागर तू ही किनारा के लिए सुलक्षणा पंडित को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। आखिरी बार उनकी आवाज़ सलमान खान, मनीषा कोइराला स्टार खामोशी द म्यूजिकल में सुनाई दी थी। साल 1975 में फिल्म उलझन से अपने करियर की शुरुआत करने वाली सुलक्षणा पंडित ने कई फिल्मों में बतौर एक्टर काम किया है, जिनमें उलझन, सलाखें, फांसी और अपनापन जैसे बेहतरीन फिल्मों का नाम शुमार किया है। 80 के दशक में सुलक्षणा की फिल्मों ने मानो बॉक्स ऑफिस पर तहलका ही मचा दिया था, जिसमें उनके किरदारों को दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया गया। उनकी जोड़ी संजीव कुमार के अलावा राजेश खन्ना, विनोद मेहरा, जितेंद्र, विनोद खन्ना के साथ भी दिखाई दी थी। दर्शकों का खूब प्यार मिला। बात करें इनके आज की हालातों के बारे में, तो आपको बता दें सुलक्षणा पंडित 67 साल की हो चुकी हैं। एक समय ऐसा था जब सुलक्षणा पंडित सभी के दिलों की धड़कन बनी हुई थी, लेकिन उसी दौरान उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसमें उनकी पूरी ज़िंदगी को ही पलट कर रख दिया। आप सभी जानते हैं सुलक्षणा पंडित संजीव कुमार को कितना पसंद करती थी, लेकिन जब संजीव कुमार ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करने से मना कर दिया तो सुलक्षणा पूरी तरह से टूट सी गई थी। संजीव कुमार के इनकार करने के बाद सुलक्षणा अपने दिल पर किसी और को बसा ना सकी और काफ़ी डिप्रेशन में चली गई। इतना ही नहीं, संजीव कुमार का निधन हुआ तो उसके बाद वह सुलक्षणा ने अपना मानसिक संतुलन ही खो दिया। सुलक्षणा पंडित की हालत इतनी बुरी हो गई थी, उन्हें पागलखाने में भी भर्ती करवाया गया। फिलहाल उनकी बहन विजेता पंडित ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वह अब पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक हैं। इन दिनों वह अपनी बहन विजेता पंडित के साथ उनके घर में रहती हैं। एक बार वो बाथरूम में गिर गई थी जिसके चलते उनकी हिप बोन टूट गई है। उनकी कई सर्जरी करवाई गई लेकिन वो आज भी ठीक से नहीं चल पाती। वो एक कमरे में अलग रहती हैं और खुद को दूसरों से अलग रखती हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे अभिनेत्री सुलक्षणा की इन हालातों के बारे में? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प और बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।